गुड आफ्टरनून बेटा, वी वर डूइंग द चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया था, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज होती क्या है, व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। तो उसमें हमने फोर टाइप, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है के नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू ना होना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो उनमें क्या है, वेरिएबल्स में एंड नंबर्स में जो रिलेशन होता है वो इक्वालिटी का ना होना। अगर तो इक्वालिटी का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, रिलेशन तो है लेकिन फोर टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू। ये फोर टाइप के इनइक्वालिटीज हमने कर लिए थे ऑलरेडी, जिसमें से जिसमें साथ में इक्वालिटी का सिंबल होता है उनको हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं, और जो स्ट्रिक्टली इक्वल टू का साइन है ही नहीं, या तो लेस देन है एक एक्सप्रेशन दूसरे से या फिर ग्रेटर देन है, तो उनको बोलते थे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का साइन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज हमने स्टडी की, जिसमें से जो इनइक्वालिटीज हैं वो टोटल कितने टाइप की हैं, फोर टाइप की, है ना। इनइक्वालिटी का मतलब है ये ऐसी इक्वेशंस, इन इक्वेशंस जिनमें फोर टाइप के सिंबल हैं, और लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, इनको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। ये सारी इनइक्वालिटीज हैं। उसके बाद आफ्टर दैट हमने स्टडी किया था कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनमें से न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं। हमने 3-4 टाइप की इनइक्वालिटीज स्टडी की। देखो ये चारों सिंबल इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। अगर कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी का इन फोर में से कोई भी सिंबल लगा हुआ है तो उनको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ये हमने स्टडी किया। उसके बाद लिटरल इनइक्वालिटीज, लिटरल इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, जिसमें एक साइड हमारे पास कोई वेरिएबल हो और दूसरी साइड कॉन्स्टेंट हो, कोई नंबर हो, ठीक है, तो उनको बोला जाता है लिटरल इनइक्वालिटीज। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, जिनमें हमारे पास दो नंबर्स के बिटवीन में इन फोर सिंबल में से, फोर इनइक्वालिटीज में से कोई भी एक इनइक्वालिटी लगी होती है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अगर एक साइड हमारे पास नंबर हो, एक साइड वेरिएबल हो, देखो एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन लेस देन 5 होनी चाहिए, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को लिटरल बोलते हैं। अगर कोई रिलेशन इक्वेशन, इन इक्वेशन इस तरह से गिवन है कि उसमें 2 times इनइक्वालिटी का सिंबल यूज किया गया है, 2 inequalities यूज की गई हो, तो उनको बोला जाता है डबल इनइक्वालिटीज। इसको डिटेल में हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, वेट, आफ्टर दैट हमने ये सारी की थी, इनमें से कुछ स्लैक हैं जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का साइन है, उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। जो ये वाली है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, लेकिन जिनमें साथ में इक्वल टू का साइन भी है उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर स्लैक इनइक्वालिटीज, उनको क्या नेम दिया जाएगा, स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। After that, हमने questions को कैसे करना है वो स्टडी किया था और रूल्स स्टडी किए थे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। रूल्स वही हैं हमारे पास, सेम रूल है जो इक्वालिटी को सॉल्व करने वाले हैं होते हैं,
हम दोनों साइड बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हैं इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी। सेकंड रूल किया था मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन थर्ड रूल जो था इनइक्वालिटी में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये मेन रूल है जो इक्वेशन के रूल्स से अलग है। ये ऊपर वाले बोथ रूल्स तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हम यूज करते हैं लेकिन थर्ड रूल वहां पे यूज नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, देखो -3 इज लेस देन -2, अब हमें एक साइड अगर माइनस को खत्म करना है तो दूसरी साइड हमें नेगेटिव नंबर दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस कैंसिल हो गए। लेकिन जैसे ही हम किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं बोथ साइड, है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो ये सिंबल होता है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 is greater than 2, है ना, तो वो रिवर्स होकर ही ट्रू प्रूव होगा अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है, क्या है कि जैसे ही हम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया था। आफ्टर दैट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमने कर लिए थे क्वेश्चन कुछ, तो देख उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, है ना। आज उससे आगे वाले करते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में थर्ड को ही दोबारा देख लेते हैं। पहले क्या गिवन है, हम एक्स वाले एक साइड ले आएंगे, दूसरी साइड ले आएंगे, या फिर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन की तरह, या फिर दोनों साइड उसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो दोनों पहले क्या कर दिया हमने, बोथ साइड से -6x माइनस कर दिया, कर सकते हैं। जैसे ही किया हमारे पास, और हमने ये 3 को भी उस साइड ले गए, 3 को उस साइड लेकर गए, 7 - 3 कितना हो गया, 4, और 6x क्या हो गया हमारा यहाँ से खत्म। इस साइड क्या बन गया हमारे पास, -2x is less than 4। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करोगे देखो हमारे पास क्या है, -2x is less than 4, ये है हमारे पास। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन -2 तो एक तो क्या है, नेगेटिव नंबर है ना, ये तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव के साथ जैसे ही हम नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, हमारी जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 से डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स रह गया, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया, -2, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही वो रिवर्स होगी तो हमारे पास देखो कैसे बन जाएगा, -2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स -2 से बड़ा होना चाहिए। और -2 से ग्रेटर देन के लिए सोल्यूशन देखो क्या 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 आ सकता है, एक तो इक्वालिटी का साइन नहीं है, है ना। तो हमने ये चीज भी की थी कि जब ओपन ब्रैकेट को कब यूज करते हैं हम, जब या तो साइन लेस देन का है या फिर साइन ग्रेटर देन का है, तब कौन सा सिंबल यूज होता है, कौन से ब्रेसिस यूज होते हैं, ओपन, और जब हमारे पास साथ में इक्वल टू भी गिवन होता है फिर हम क्लोज्ड इंटरवल यूज कर सकते हैं, है ना। तो उस टाइम हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ ग्रेटर देन है, मतलब ब्रैकेट कौन सा यूज होगा, ओपन। ओपन तब यूज करते हैं जब ये खुद ये वाले नंबर इन्वॉल्व नहीं होते। x की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती, लेकिन -2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, -x is greater than -2, ये आंसर आया। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है,
टू भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो आया वो कितना आया, -2 to infinity। तो हम कैसे लिख सकते हैं, -2 to infinity। और एक चीज और ध्यान में कि इनफिनाइट वैल्यू हम कभी नहीं लेते, इन्फिनिटी के साथ, इन्फिनिटी के सिंबल के साथ हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ क्या हो गई हमारी वैल्यू, देखो अगर ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, फिर यहाँ पे क्या आ जाता, क्लोज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली ग्रेटर देन, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, बिकॉज -2 एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, एक्स -2 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। आफ्टर दैट अभी हम करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन गिवन है, यहाँ पे डिवाइड में नंबर्स गिवन है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको सॉल्व ही तो करना है। आप क्या करोगे, देखो पहले एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम जैसे ही लोगे तो क्या बन जाएगा, 5 - 2x / 3 < 2 x - 30। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 6, ऐसे बन गया। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस 30। अब आफ्टर दैट 3 और 6, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स को कैंसिल नहीं कर सकते होते, वेरिएबल को एक दूसरी साइड हमें मल्टीप्लाई सॉरी प्लस माइनस करना पड़ता है। 6 और 3 तो दोनों कॉन्स्टेंट है, इसका तो हमें पता है 3 तो 3 ही रहेगा, है ना, 3 तो पॉजिटिव ही रहेगा अगर हम उधर ले गए, और 6 क्या रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा अगर हम दूसरी साइड ले गए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व किया, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बन गई, 2 × 5 - 2x, यहाँ पे 2 ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, इधर आ गया एलसीएम लेकर x माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 5 - 10 - 4x < x - 30। उसके बाद अब x को इस साइड ले आएंगे हम, -5x, और 10 को उधर ले गए, -30 - 10 कितना आ गया, 5x < -40। अब इसके बाद सॉल्व करो, सिंपल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व किया है, बस एक ही रूल डिफरेंट है। वो रूल डिफरेंट वाला रूल कौन सा है हमारे पास, कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बोथ साइड किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन रिवर्स हो जाता है। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस फाइव के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे इस साइड किया तो क्या आ गया, एक्स, और उस साइड किया -5 से किया है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आंसर कितना आया, जैसे ही डिवाइड किया माइनस माइनस कैंसल, 5 8 = 40, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। अब अगर इंटरवल में लिखना हो, देखो अभी सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ब्रैकेट कौन सा आएगा हमारे पास, क्लोज, बिकॉज एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से हमें पता चल गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, एक्स 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा हो सकता है, 8 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, अप टू सो ऑन, कहाँ तक हो सकती है एक्स की वैल्यू, आगे जाकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन 8 से बड़ी होनी चाहिए, 8 से छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या लिखा है साथ में, स्लैक वेरिएबल है, स्लैक इनइक्वालिटी है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 8 के इक्वल टू हो सकती है, जब इक्वल टू साथ में हो तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज, लेकिन इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 8 to infinity, हमारा आंसर क्या आ गया, x belongs to 8 to infinity। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सोल्यूशन सही है, और ऐसे भी लिख सकते हो, x is greater than or equals to 8, दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, सेम है, x is greater than or equals to 8 या फिर x belongs to 8 to infinity। ऑल रियल नंबर्स जो x से ग्रेटर देन है और एक्स के इक्वल टू 8 के इक्वल है, सॉरी, वो सभी क्या है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। क्लियर है इतना, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखो
एग्जाम्पल नंबर 5 भी सिंपल है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सॉल्यूशंस को कहाँ पे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे तो सिंपल किया, देखो 7x-5x कितना बन गया 2x, 9-3 क्या बन गया 2x is less than 6, दोनों साइड किसके साथ डिवाइड करोगे 2 के साथ, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनक्वालिटी का सिंबल सेम रहेगा, तो आंसर क्या आ गया x is less than 3। देखो अभी इसका आंसर क्या आएगा, क्या आया हमारे पास x is less than 3। x की वैल्यू 3 हो सकती है? नो, क्या है यहाँ पे लेस देन का साइन, x की वैल्यू 1-2 हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, मतलब हम नंबर लाइन से किस तरफ जा रहे हैं, -∞ to 3। x के जो आंसर है वो क्या हो सकता है, -∞ से लेकर 3 तक हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन साथ में नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी हो सकती है, तो इसीलिए नंबर लाइन पर आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से, देखो ये खाली, ये जब ओपन ब्रैकेट हो तो हम सर्कल नंबर लाइन पर ऐसे लगाते हैं, जब क्लोज्ड हो, हमने सेट चैप्टर में भी स्टडी किया है कि किस तरह से इंटरवल को लगाते हैं, जब क्लोज्ड इंटरवल हो के वो वैल्यू इंक्लूड होगी फिर हम डार्क डॉट लगाते हैं। अब यहाँ पे तो क्या था, ओपन इंटरवल आना था बिकॉज इक्वालिटी का साइन ही नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे जो सर्कल लगाया वो कैसा लगाया, ओपन, है ना, कि 3 नहीं हो सकती, 3 तो हो नहीं सकता, लेकिन 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है इस साइड, -∞ तक, है ना नंबर लाइन में, और यहाँ इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड -∞ to ∞, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 से छोटी इस साइड कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए आंसर क्या आ गया, -∞ to 3। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x belongs to -∞, -∞ to 3 और ब्रैकेट कौन से आएंगे, ओपन, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो, यहाँ पे भी ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन है जो वो ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा, x plus 1 minus 4 कितना आ गया ऊपर, x minus 3 आ गया ऊपर, नीचे क्या है 4, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज नीचे वाला नंबर 2 हमें पता है 2 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, लेकिन अगर नीचे हमारे पास इस तरह से इक्वेशन हो, एक्स हो, x minus 1 x plus 1, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये वेरिएबल्स हैं, हमें नहीं पता कि ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर पॉजिटिव ही रहेंगे या नेगेटिव ही रहेंगे, या फिर नेगेटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लेकर जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को ही कैंसिल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को नहीं, ठीक है, तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी तरह यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट से तो 2 इधर आ गया, 4 इसको हमने सॉल्व कर दिया, कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 उधर चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, 2 into 3x minus 4 greater than or equals to x minus 3। अब इसको सॉल्व करते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6x minus 8 is greater than or equals to x minus 3, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आगे चलते हैं, देखो ये बन गई, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, x को उधर लेकर गए, 5x is greater than or equals to 5 x is greater than or equals to 1। अब देखो अगर इंटरवल में लिखना हो हमें आंसर, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, इसका मतलब कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, x belongs to 1, 1 से लेकर कहाँ तक जा सकती है, वो पॉजिटिव साइड, x is greater than लिखा है, 1 to infinity, ये आएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क सर्कल किया है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x कैन बी इक्वल टू 1, x का आंसर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, पॉजिटिव साइड अप टू सो ऑन कहाँ तक हो सकता है, इस साइड क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड क्या होता है,
माइनस इनफिनिटी। तो ब्लू लाइन के साथ हमने एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है और 1 भी इंक्लूडेड है। ये डार्क सर्कल यही शो कर रहा है कि एक्स कैन बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज यहाँ पे जो साइन था वो क्या था, साथ में इक्वल भी था, इक्वल टू भी था, इक्वालिटी का साइन था साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। बस सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। अब आप एक्सरसाइज करोगे उसके लिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 देखो। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन, हमें बनानी है उससे मैथमेटिकल इक्वेशन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास प्लस 1 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो जो एवरेज है वो कितनी हो सकती है, 60 मार्क्स एटलीस्ट। अगर एट मोस्ट लिखा होता फिर हमारा जो साइन आता वो लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमें दे देते, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है मतलब कम से कम 60 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास टोटल क्या बन गया, सिंबल कौन सा आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो मार्क्स जो है एवरेज उसके 60 हो सकते हैं, इक्वल टू 60 या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, एटलीस्ट 60 होने चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एवरेज जो है एटलीस्ट लिखा है, अगर एटमोस्ट लिखा होता फिर हम साइन लेते लेस देन और इक्वल्स टू का, यहाँ एटलीस्ट लिखा है इसीलिए साइन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। और इस साइड हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है थर्ड टर्म में, मार्क्स हमें फाइंड करने हैं कि कितने आएंगे। टोटल टर्म्स ऊपर के आ गए, नंबर इन फर्स्ट टर्म, नंबर इन सेकंड टर्म प्लस नंबर इन थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो आंसर कितना आ गया कि मिनिमम वो 70 मार्क्स, ही कैन ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एक्स की जो वैल्यू है, हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, एक्स कैन बी इक्वल्स टू 70 से लेकर टोटल कितने मार्क्स हैं। अगर टोटल 100 मार्क्स का है तो हमारा आ जाएगा 70 to 100। हमें नहीं पता तो हम बोल सकते हैं 70 to infinity। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया क्यों, बिकॉज साथ में इक्वालिटी का साइन था। ठीक है, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 हम कल कर लेंगे, उससे पहले आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके बाद आप करोगे आज 7th, 8th, 9th, 7 to 16 सारे क्वेश्चन सेम है। 7 से लेकर 20 तक आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, फिर हम क्लास में कल 20 तक डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू द स्टेटमेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।